बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे खरीद से होंगे। आज कनाडा के फैमिली की एक और सक्सेस स्टोरी आपके साथ। कनाडा का जो इस टाइम अल्लाह पाक का फजल करम है, जो रेशो चल रही है परफेक्ट। बाकी तो मुझे नहीं पता, मैं अपनी नाई की बात कर सकता हूँ। नाई की परफेक्ट चल रही है, अल्लाह पाक शुक्र है। ट्रेनिंग रिलेशनशिप हम पे बहुत मेहरबान हो। इस टाइम हमारे साथ बिलाल खान साहब है, की वालदा है। वालदा का फेस हमें ब्लर किया हुआ, चूंकि पता है लेडीज है, उनका फेस सामने दिखा तो मेहरबानी वीडियो दे रहे हैं। इनका वीजा अप्रूव हुआ, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है जी इनका। इनकी मदर का मिला, बिलाल को मिला है 27 तक और इनकी मदर को मिला है 27 तक। इन दोनों का वीजा 37 डेज में अप्रूव हुआ। बाकी बात इनसे करते हैं, डिटेल जानते हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं। बिलाल कैसे हैं आप? ठीक सर, मैं कैसे हैं आप? सर अरब ट्राई कहाँ से हैं? मैं वैसे पीछे से हम कश्मीर से बिलोंग करते हैं, मैं और मेरी वालदा। ठीक वैसे है रहते इस्लामाबाद में। ठीक है। आप बताएं वीजे कौन से लगे हैं आपके, दुबई के हैं ये किसके लिए, दिखाएं जरा वहाँ पर। वीजा हमारा लगा है, ये कनाडा के दो वीजे लगे हैं जैसे आप देख सकते हैं, 4 साल फर्स्ट के। पेज पे दिखाएं जरा, फर्स्ट पेज कौन सा है? ठीक और ये मेरी वालदा के फेस है में ठीक है। छुपा रहा हूँ, और ये मेरा देख सकते हैं आप। आपकी एज कितनी है बिलाल? 15। मैं 15 का हूँ। ठीक है हो गया। ये बता, नाइल को कहाँ से आपने निकाला है, कहाँ से पहचाना? नाइल को असल में ये हमारी कजन है, अभी आप देखे तो उन्होंने हमें बताया कि इस तरह नाइल वाले, इनके बहुत वीजे लगते हैं, बहुत मतलब अच्छे हैं ये। तो फिर हमने आपको इस तरह अप्रोच किया, फिर आपकी तरफ हम आए, फिर आपसे थोड़ी बातचीत की, फिर दिल को और थोड़ा सुकून चलिए मिला। अभी हाँ, आपको जल्दी होगी कि हो जाता है ऐसे, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो बस फिर हम आए, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, अप्लाई कर दिए। ठीक है। मेरी बहन आप बताएं, आप तो मेरे पहले मुलाकात हुई ही नहीं आपसे। फर्स्ट मुलाकात में सवाल जवाब बहुत थे आपके, तो आपको थोड़ा डर भी था, तो हाँ, अब वो डर खत्म हुआ? डर तो खत्म हो गया है, मैं तो खत्म हो आपने गई कुछ ना। माइंड में था कि रिजेक्ट होने की, आपके माइंड में था कि रिजेक्ट होगा वीजा हमारा? मुझे इस वजह से था, बाकी पेपर सारे ठीक ही थे, बाजी का स्पॉन्सर भी था, बाकी आपके सारे पेपर ठीक थे, लेकिन इस वजह से मुझे थोड़ा बता दे सारे बेटे की वजह से डर का टेंशन बड़ा थी हो गया है, आपको? क्योंकि आपने तो मुझे कहा था कि इसके साथ हो जाएगा, लेकिन मैंने पेपर देखा उदास है, तो उन्होंने कहा था कि शायद आप इसको छोड़ के अपना कर लेती पहले, तो मैंने फिर आपका हवाला दिया कि नहीं, उन्होंने कहा कि हो जाएगा हो जाएगा। फिर मैं 2-3 दफा आपको फोन भी करती रही, आपका तो पहले ही दम का भी उन्होंने भी नहीं फोन उठाया, ये तो फिर कंप्लेन अल्लाह हमारे का ऑफिस नाम में लेके है। हमने शुरू कर मुझे लिया। 2 दफा याद मैं आपसे मिली थी आ इसी रहा सायरा के साथ, है। सायरा ने पहले दफा मुझे बताया था कि इस तरह वो कर रहे हैं और आप आए तो हम चल रहे हैं। अल्लाह आपका भला करे, बहुत अच्छा। मतलब जैसे पहले हर बंदा ये कहता था कि नहीं होगा नहीं होगा, मैंने 3-4 दफा पहले भी हमने अप्लाई किया था, 2 साल पहले 2004 में जब जंगल आया था उसका भी किया था, कहाँ का अप्लाई कर रहा हूँ? कनेडा के लिए रिजेक्ट था, डायरेक्ट से नहीं, रिजेक्ट नहीं हुआ था, बस पेपर ही बनाए थे, तो आगे कुछ हमारा है स्कैम था कोई, बायोमेट्रिक नहीं स्कैम था थी। हाँ, एग्जाम। अच्छा, तो इस वजह से बार बार हम लोग ना वो दिल छोड़ देता है बंदा कि नहीं नहीं होगा, लेकिन इस दफा इसके अब्बू जो भी सोफिया में होते हैं ना, तो वो भी ये कहते थे कि ना करो, मैंने कहा कर देते हैं, ट्राई करके देखते हैं, लेकिन अल्लाह ना का मुझे शुक्र मुझे है। ना करने की क्या वजह थी, क्या वजह वजह क्या वजह देते थे आपको ना करने वजह की? ये थी कि वो वो ये कह बस रहे थे कि ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, तो रिजेक्शन, जब तक आप अप्लाई नहीं करके आपको कैसे आइडिया कि रिजेक्ट हो बस जाएगा हमारे था लोग ऐसे? ऐसे हैं ना, तो पहले अपने दिमाग में ये चीज बैठा लेते हैं ना कि मुश्किल है, हालांकि मुश्किल नहीं है कुछ। मैं हैरान हूँ क्योंकि ऐसे बंदा सोच के बैठा रहता है कि मुश्किल है बेटा मुश्किल है, स्कूल जाता है आपका? ये स्कूल जी जा जी रहा है, मैं इसको जाता हूँ। लेवल 1 के ठीक पेपर है, दे रहा अगर है। अगर कोई आप अगर फर्स्ट टाइम इसको स्कूल लेके गई हैं, तो टीचर कह जी ना दाखिल कराएंगे, पास नहीं होगा, क्या आप दाखिल नहीं कराएंगे? नहीं डेफिनेटली कराएंगे, उसको आप हिम्मत देंगे हाँ तो अगर आगे बढ़ेगा ना। तुम सही तो बात ये है, बात है जो, तो लोग कहते हैं जी अप्लाई नहीं करना चाहिए, मुझे उनकी नेगेटिविटी समझ नहीं आती, रीजन नहीं है उनके पास होता। सही ऐसा बात ही है। आप मुझे पता, आप जब मेरे पास आई, मेरी मुलाकात थी, हमारी बड़ी लंबी डिटेल में मीटिंग होती रही है, मैं एक ही बात कहता रहा हूँ, अप्लाई करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं, नहीं बच्चे सही को बात स्कूल भेजने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। साल के बिल्कुल बाद वो फेल पास होगा। आपने डॉक्यूमेंट दिए, हमारे स्टाफ को सर्विस कैसे लगी हमारे यहाँ? बहुत बहुत अच्छी लगी, अच्छी। बहुत अच्छा लगी आपकी बात करके। मेरे मैम हफ्सा जो है आपकी, उनके पास से पेपर लेके उन्हें बहुत अच्छा, जब भी मैं फोन करती थी मैसेज करती थी वो वापस मतलब फोन रोज उठा हमारी देती उनसे थी, बहुत बातचीत बात थी, सही, रिप्लाई करती थी याद आपको? करके। जी हाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो हमें ना मिले, जब जी भी हम लोग फोन करते थे फौरन मिल जाती थी, और हर चीज उन्होंने हमारा ना पूरी पूरी उसमें साथ दिया हमारा, आपको जब जब भी डॉक्यूमेंट रेडी की के दिखाई गए थे आपको डॉक्यूमेंट? दिखाए गए थे घर उन्होंने भेजे थे पहले, फिर हमने वापस समझा, हम लोग जहाँ पे आए थे कुछ देना भी था उन्हें, थोड़े बहुत रह गए थे पेपर, तो फिर यहीं पे आए थे उनके साथ, हम लोग 2-3 घंटे बैठे थे, तो सब कुछ दिखाया था उन्हें जी सब सामने सबमिट किया आपके ऑनलाइन, सामने। हाँ उसमें सामने कोई किए, मसला कोई मसाइल डॉक्यूमेंट कोई मसला नहीं चीज था, बस सब स्मूथ सामने हो सारा गया, कुछ सारा सब कुछ हो स्मूथली गया। हाँ गया? जी जी जिसे की दी गई थी आपको हमारी तरफ से? जी 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 बिल्कुल। ठीक ठीक है,
वीजा अप्रूव हुआ किसने बताया आप लोगों को? हमने बताया, आपने खुद चेक किया? नहीं, वो असल में मैं सुबह उठा ना ऐसे ही, तो मैंने जीमेल खोली, मैंने कहा देखता हूँ क्या आज पोजीशन है। सामने ईमेल आई भी उनकी, मैंने सीधा जाया, मैंने अम्मी को बताया अम्मी ईमेल आई भी है, फिर वो जीसी की तो उन्होंने दी भी थी, मैंने खुद अकाउंट खोल लिया, सुबह का टाइम था, मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो आगे वो कहते हैं बस पासपोर्ट दे दें। पासपोर्ट हालत क्या थी आपकी, क्या हालत था? कुछ तो थे लेकिन समझ नहीं, यकीन नहीं आ रहा था ना, क्योंकि देखें लोग कहते हैं नहीं होता नहीं होता, तो बंदे का माइंड वो थोड़ा गया। हमें आपकी सर्विस बहुत अच्छी लगी, यकीन करें मैंने उसको अच्छा लोग को बताया, जितना मेरे जितने रिश्तेदार थे, मेरी सिस्टर की बेटियां थी, उसके अलावा मेरे और भी रिश्तेदार ने सबको बताया कि आप जरूर लगाएंगे। पैसे भी नहीं लगते हैं, देखें 3 लाख हम दोनों मांगे थे, 3 लाख में मैं सोचती हूँ ये वीजा कितने करोड़ों भी देंगे तो हमें। बहुत जन आपकी, आपने जब डीसी की खोला तो आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा, इस रीजन चाहिए? देखे ना, ये अब इतने साल हो गए, यही बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नहीं होता नहीं होता, आप ना करें, फायदा नहीं है, पैसे जाया होंगे, वो बंदे की सोच होती है इस तरह, बंदे की हाँ वही सोच चलती रहती है। लेकिन अब तो बिल्कुल दिमाग ही चेंज हो गए, अब तो आंखें खोल गई, नेगेटिविटी खत्म हो गई। मुझे आप ये बताएं, जब आपका आपको पासपोर्ट जब पेपर दिया जमा कर जगह में, वहां पर प्रॉब्लम पेश आई आपको? नहीं नहीं, वहां तो स्मूथ था सब कुछ। कितने दिनों बाद पासपोर्ट मिला आपको जमा कराने? पासपोर्ट हमें, हमने फ्राइडे को जमा कराया, ट्यूजडे को हम ले आए पासपोर्ट, फ्राइडे में मंडे, हाँ मंडे को लिया, फ्राइडे 2 दिन का वीकेंड, 2 दिन वीकेंड, ठीक हो गया। सुनने वालों को आप क्या एडवाइस देंगे, पहले आप सुनेंगे फिर आप सुनेंगे, आप क्या एडवाइस देंगे फिलहाल की क्या हो रहा है, वीजा अप्लाई करना चाहिए और क्या? सुनने वालों को तो मैं सीधी एडवाइस दूंगा, देखें डरे ना, कुछ नहीं होता, रिस्क थोड़ा लेना पड़ता है जिंदगी में, कुछ पाने के लिए थोड़ा तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना, तो आप जरूर आए नाइल के पास, आए अप्लाई करें, नाइल के पास नहीं तो चलो कहीं और ही कर लें, लेकिन अप्लाई तो करें, लिस्ट करना, लिस्ट लेना पड़ेगा, लिस्ट लेंगे, ऐसे तो नहीं होगा कि आप बैठे रहेंगे तो आप कनाडा पहुंच जाएंगे, ऐसे ही कोई आपको लेके चला जाएगा, ऐसे खुद करना पड़ेगा कुछ। आप ऐसे आप मेरी बैंक क्या एडवाइस देंगे सुनने वालों को? मैं बस ये एडवाइस दूंगी कि डरना नहीं चाहिए, आप अप्लाई करें और ना ये बंदा सोचे कि हाँ मेरे पैसे जाया हो जाएंगे, क्योंकि 2-3 लाख 4 लाख कोई चीज नहीं, अगर आपका हो जाता है क्या पता कि आपके रिसीव में लिखा हो और आप कर ही नहीं रहे, जैसे हम लोग नहीं करे थे, हमारे रिसीव में लिखा था लेकिन हम लोग नहीं करते, मेरी बहन वापस इवन के आप यकीन करें मेरी बहन को कोई यकीन नहीं था कि इसका होगा, लेकिन वो उन्होंने मुझे लेटर भी दिया था सब कुछ, वो खुद भी आते थे पाकिस्तान, लेकिन उनका ये था उनके दिमाग में भी कोई ये बात नहीं थी कि इसका होगा, उन्हें खुद यकीन नहीं था जिन्होंने स्पॉन्सर भेजे, ये हालात। लेकिन स्पॉन्सर एक पॉइंट मिलता है क्योंकि बस मैं इनको जानती हूँ, बाकी ये जरूरी नहीं कि स्पॉन्सर होगा वीजा मिलेगा, ये कहीं भी स्पॉन्सर है कि 99% पाकिस्तान लोग स्पॉन्सर नहीं है, बट लोग जल डरते हैं, जिस तरह आपने रमजान का आप मिसाल दी थी वो सब्जी वाला, जी जी कुछ जाने वाला मानी, बट वाला वो देख के थोड़ी मोटिवेशन मिलती थी, होता है थोड़ा बहुत, तो बस ये है कि हो गया शुक्र अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है, ये इतने पैसों में तो कभी हो नहीं सकता कोई काम, हमने लोगों को आपकी वजह से हमारा ये वीजा लगा, अल्लाह की मेहरबानी से, असल में आपने कन्विंस बहुत किया ना, मतलब सच भी कन्विंस किया, खुद तो मैंने वीजा तो खुद देना नहीं है, मेरी पहले की बात कह रही है आपने दिया, मैंने वीजा नहीं दिया, लोग यहाँ पे कहते हैं भी आपने वीजा दिया, रास्ता प्रॉपर रास्ता नहीं, लोग मिस गाइड करते हैं, आपके कितने टाइम में वीजा आया आप लोग, कितने टाइम के अंदर आपने? 37 डेज, ठीक है, 37 में अप्रूव हुआ आप लोग। मैं जी इन दोनों का मशहूर हूँ, बहुत मेहरबानी स्पेशल वीडियो के लिए आए हैं, और थैंक यू केक भी लेके आए, बड़ा खूबसूरत सा, अल्लाह पाक आप सबको ऐसी कमी का फरमाए, दुआ करें, पैसे में ताकत नहीं है, तो दुआओं में बहुत ताकत है, जो आप कहते हैं बस पैसे दे दिए बैठे घर, नहीं मेरे भाई आपने अप्लाई किया, अपने लिए भी दुआ करें और आपके आस पास लोग भी दुआ करें, हसद ना करें, ये ना कहें इनका नहीं लगा, इनका नहीं लगा मेरा भी लगेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता, हर बंदे की अपनी किस्मत होती है और लक आजमानी चाहिए, हमेशा कहता हूँ मैं, लक
प्रॉपर प्रोफेशनल वे तरीके के साथ, यानी कि आंखें बंद कर तुक्का मार रहे हैं, ऐसे करने नहीं होता। मैं कब शुरू वंस अगेन, और अल्लाह पाक आप सबको ऐसी काबिलियत फरमाए। आने वाले दिनों में आप वीडियो देखेंगे कि नाइकी मैक्सिमम विजय प्रूफ होंगे इंशाल्लाह। ये दुआ आप सबके लिए, थैंक यू वेरी मच।